नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कोई माने या ना माने, पर जिस तरह भारत ने एससीओ बैठक के माध्यम से इमरान खान को भारत में बुलाने का जो कूटनीतिक दांव चला है, वह अंतर्राष्ट्रीय जगत में सकारात्मक संदेश देता है। बड़ी बात यह है कि भारत विदेश मंत्रालय द्वारा इसकी पुष्टि कर दिए जाने के बाद पाकिस्तान में बकरी कुदान और गधैया नृत्य एक साथ शुरू हो गया है। भारत के तर्कस से निकले इस तीर के सही निशाने पर लगने की पुष्टि इसी बात से होती है कि कल इमरान खान ने जर्मन मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में दोनों देशों के बीच शांति का राग आलापा। वैसे मांसाहारी गिदड़ के मुख से शाकाहार के प्रवचन अच्छे नहीं लगते, मगर जो मनोरथ कूटनीति से हासिल करने की काबिलियत हो, फिर तलवारें भागने से क्या फायदा। खास बात यह है कि भारत द्वारा इमरान खान को न्योता भेजने की खबर ने इमरान खान की डगमगाती कुर्सी को जरूर गिरने से बचा लिया है। फिर भी यह संदेह कायम रहेगा कि इस साल के अंत में होने वाली एससीओ बैठक तक इमरान बचे रहेंगे या फिर उनके स्थान पर कोई दूसरा ही नुमाइंदा भारत आएगा। वैसे इसी बीच पीओके को लेकर मोदी सरकार ने एक्शन ले लिया तो इमरान वैसे भी पाक पीएम नहीं रहना है। यानी भारत एक तरफ शांति का संदेश दे रहा है, दूसरी ओर अपने मनोरथ भी हासिल करने की फिराक में है। गौरतलब है इस साल के आखिर में होने जा रहे शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी भारत करने जा रहा है, लिहाजा मोदी सरकार सभी सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को न्योता भेजेगी। पाकिस्तान और भारत जून 2017 में एससीओ के पूर्ण सदस्य बने थे, इसलिए पाकिस्तानी पीएम को भी इस बैठक के लिए न्योता भेजा जाएगा। हालांकि पाक पीएम के भारत दौरे पर आने का फैसला पूरी तरह पाकिस्तान पर निर्भर करेगा, लेकिन भारत प्रोटोकॉल के तहत निमंत्रण भेजने की औपचारिकताएं पूरी करेगा। इससे पहले वर्ष 2014 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत आए थे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव जीतकर केंद्र की सत्ता में पहुंचे थे। उसके बाद से कोई पाक पीएम भारत के दौरे पर नहीं आया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत विदेश मंत्रालय के बयान को सकारात्मक रूप में लिया है। वैसे इसमें भारत को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 11 महीनों से भारत पाक के बीच स्थिर पड़े रिश्तों की वजह से पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान तो काफी समय से इस इंतजार में था कि कब मोदी सरकार उस पर रहमदिली दिखाए और वह फिर से रिश्ते पटरी पर ला सके। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई बड़ी मुसीबत बनी हुई है। इस महंगाई में भारत से बंद आयात भी बड़ा कारण है। सब्जियों, दवाइयों और आटे के दाम आसमान छू रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई बड़ी घोषणा करके दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करेगा कि वह भी शांतिपूर्ण बातचीत का पक्षधर है, जबकि इसके पीछे वह भारत से आयात निर्यात शुरू करके अपनी जनता पर लदे महंगाई के बोझ को कम करने के बारे में सोच रहा है। पाकिस्तान के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ी मुसीबत है, वह है उसके अनाज भंडारों का तेजी से खाली होना, जिस वजह से यहाँ आटे के दाम इतिहास के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में दो नंबर आटा ही 5,500 रुपए कुंतल बिक रहा है। एक साल पहले तक यह 2,800 रुपए कुंतल हुआ करता था। पाकिस्तान भारत से जल्दी जल्दी अनाज आयात करने की योजना बना रहा है। इसी तरह उसने भारत से दवाइयों का भी आयात किया है, जिसमें रेबीज वैक्सीन, पोलियो मार्कर और हार्ट के बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट भारत से उसने आयात किए हैं। यानी पाकिस्तान को एहसास है कि मोदी के होते तो बर्बाद है ही, बगैर मोदी के तो पूरी तरह बर्बाद है। पाकिस्तान के रंग बिरंगे तहमंद जो हीरा मंडी के चौक पर लहराते थे, कल वही तहमंद सफेद रंग के नजर आए। यानी मदरसा पैदा इसको उम्मीद हो गई है फिर से भारत से सस्ता अनाज और सब्जियां आने वाली है। बड़ी बात यह है कि इमरान खान इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाह रहे हैं। उन्हें पता है महंगाई के मुद्दे पर घिरी पीटीआई सरकार को भारत से उन्हें संजीवनी मिल सकती है। एक साल तक सलवार तक जोर लगाकर भी वे पाकिस्तान को पदीना रियासत ही बना पाए, इसलिए भारत से कूटनीतिक रिश्ते बढ़ाकर वे राहुल सागर तकन के अदीना से तो बड़ा कर ही सकते हैं। पर सवाल यही है कि जिस तरह भारतीयों को मोदी कूटनीति पर भरोसा है, क्या पाकिस्तानी भी इमरान पर ऐसा विश्वास जता पाएंगे? पाकिस्तान में एक तबका अब इसे इमरान को घेरने में जुट गया है। इनकी इमरान को सलाह है कि वह मोदी से बचकर रहे। मोदी कूटनीति में जो दिखाई देता है वह होता नहीं है।
और जो होता नहीं उसके भरोसे दो दो सिलवार सिलाई के लिए मत भेजो। इन्हें लगता है मोदी इमरान के झाग बिठाकर फिर से कुछ बड़ा करने की फिराक में है, ताकि पाकिस्तान खुशी में तहमंद लहराता रहे और भारत पीओके पर तिरंगा फहरा दे। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।